नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। मैं नितिन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु पर, और आशा करता हूँ आप सब बच्चों अच्छे से होंगे। तो आइए, आज का जो हमारा विषय है वो है बच्चों HTML। आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में हम लोग कैसे लिंक्स को क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, HTML में लिंक कैसे हम लोग बना सकते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये लिंक्स होती क्या हैं। लिंक्स, या जिनको मैं हाइपर लिंक की नाम देता हूँ, वॉट इज दिस हाइपर लिंक्स? तो देखिए, इट इज द यूटिलिटी, इट इज द यूटिलिटी बाई यूजिंग वी कैन ये एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन लिंक मल्टीपल वेब पेजेस, जिसके द्वारा हम लोग बच्चों मल्टीपल माने बहुत सारे वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। देखो, कोई भी आपको अगर हाइपरलिंक पढ़ाएगा HTML में, तो सीधे टैग से पढ़ा देगा। टैग तो कार्य करते हैं ना, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा, जब आपको उसका लिटरेचर यानी उसके बारे में बच्चों पता चलेगा। इसीलिए मैंने पहले हाइपरलिंक के बारे में बताने से पहले आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देना उचित समझा कि ये हाइपरलिंक क्या है। ये वो यूटिलिटी है जिसके द्वारा हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, मल्टीपल लिंक्स को आपस में एक दूसरे से, मल्टीपल वेब पेजेस के बीच लिंक बना सकते हैं। आपको मैं एक चीज बच्चों बताना चाहूंगा, आपको मैं ये बताना चाहूंगा बच्चों कि ये तुम्हारा www है, जिसको कि हम लोग बच्चों वेब भी कहते हैं। इसको वेब क्यों कहते हैं, क्योंकि ए लॉट ऑफ वेब पेजेस, ये इसमें होता क्या है बच्चों, ए लॉट ऑफ वेब पेजेस आर लिंक्ड टुगेदर। यानी इसमें बहुत सारे वेब पेजेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यानी बच्चों, ये जो www यानी वेब की टेक्नोलॉजी है, इसके निर्माण में इसका ताना बाना जो बुनता है वो यही हाइपरलिंक है। तो हाइपरलिंक एक अत्यंत महत्वपूर्ण इशू है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। और मैं आपको बता दूं, बिना वेब के, बिना हाइपरलिंक के वेब का संरचना निर्मित नहीं हो सकता, माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बात और बच्चों समझ लीजिए कि तुम्हारा ये जो हाइपर लिंक्स जो आप क्रिएट करेंगे, अभी मैं क्लियर बताऊंगा कैसे करेंगे, ये किस प्रोटोकॉल की मदद से बच्चों काम करता है, तो इसके लिए यूज किया जाता है HTTP, जिसका नाम है बच्चों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वो प्रोटोकॉल है बच्चों जो लिंक टेक्नोलॉजी को हैंडल या मेंटेन करता है। यहां एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगा कि ये हाइपर टेक्स्ट क्या होते हैं, व्हाट इज दिस हाइपर टेक्स्ट? तो भैया, द टेक्स्ट दैट कंटेन्स लिंक्स टू another resource वो टेक्स्ट जो लिंक को कंटेन करता है बच्चों, उसी को हम लोग हाइपर टेक्स्ट का नाम देते हैं। किसमें नाम देते हैं, HTML में नाम देते हैं। तो आशा करते हैं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग बच्चों लिंक को बनाते कैसे हैं, हाउ टू क्रिएट लिंक, हाउ टू क्रिएट लिंक। तो HTML में अगर हमको लिंक बनाना है बच्चों, तो हम ए टैग को पहले बात तो यूज करते हैं।
क्या यूज करते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। हम लोग यूज करते हैं ए, सॉरी ए टैग का बच्चों यूज करते हैं। यहां ए का मतलब होता है एंकर। कौन सा टैग ये है बच्चों? एंकर टैग है। और ए टैग के साथ एक एट्रीब्यूट हम लगाते हैं जिसे कहते हैं एचआरईएफ। ये आपको क्या है, एचआरईएफ को कुछ लोग हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस भी कहते हैं। दूसरों शब्दों में मैं कहूं तो बच्चों डेस्टिनेशन एड्रेस या यूआरएल को स्पेसिफाई करने का काम हम लोग जिसके साथ करते हैं वो है एच आर ई एफ एट्रीब्यूट। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक। ए टैग का यूज होता है, एच आर ई एफ टैग का यूज होता है, और एक जानकारी और यूज होती है बच्चों जिसे हम कहते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। ये टारगेट एट्रीब्यूट का क्या रोल होता है? इट स्पेसिफाइज वेयर योर लिंक विल बी ओपन, कि आपकी लिंक बच्चों कहां पर जाकर खुलेगी, वेयर योर लिंक विल बी ओपन। ये काम स्पेसिफाई कौन करता है? ये काम स्पेसिफाई करता है बच्चों टारगेट, जिसे हम लोग कहते हैं टारगेट एट्रीब्यूट। अब आपका जो टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं? तो बाय डिफॉल्ट तो बच्चों होता है सेल्फ। आप इसको ब्लैंक कर सकते हैं, आप इसको बच्चों फ्रेम कर सकते हैं, कोई टारगेट फ्रेम, ये सब आप बच्चों दे सकते हैं। एक और होता है आप इसको पैरेंट कर सकते हैं। देख लीजिए ये सारी वैल्यू है। आपका जो बाय डिफॉल्ट टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है वो सेल्फ होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बच्चों कि आप जो लिंक क्रिएट करते हैं एचटीएमएल में, बाय डिफॉल्ट वो उसी टैब पर खुलता है जहां पर आपने कोडिंग करके रखी है, या कहें जहां आपका लिंक एक्टिवेट किया है। जिस टैब में लिंक है अगर उसी पर बाय डिफॉल्ट खोलना है तो वो सेल्फ है, कुछ करना नहीं, अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आपका लिंक भी दिखता रहे और आपका जो आउटपुट है यानी जो डेस्टिनेशन है, जो जिसको तुमने जोड़ा है, वो कहां पे खुले, किसी नए टैब पे खुले, तो उसके लिए आप ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। फ्रेम और पैरेंट एट्रीब्यूट भी है, लेकिन जनरली हम लोग इनका यूज अभी नहीं करेंगे। हम आपको सबसे पहले आइए एक हाइपरलिंक बच्चों कैसे बनाते हैं इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलो सब लोग तैयार हो जाओ। हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक, इसके लिए एक छोटा सा एचटीएमएल प्रोग्राम आपको दिखाता हूं। अब देखिए एचटीएमएल सीधे हम बॉडी लिखेंगे, H1 हेडिंग दे दी मैंने एक छोटी सी हाइपर लिंक। ये देखिए ये हमने बॉडी बंद किया, और सॉरी अभी बॉडी नहीं बंद होगी, अब आपका लिंक बनेगा ए एच आर ई एफ इज इक्वल टू एच टी टी पी डब्ल्यू 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 डॉट गूगल डॉट कॉम। अब इसके बाद क्लिक हियर, फॉर किसके लिए? गूगल के लिए। ये मैंने ए को बच्चों बंद किया। ये देखिए बच्चों बॉडी एंड देन व्हाट विल बी क्लोज
HTML. Now your program is completed. आपका प्रोग्राम बच्चों बन चुका है, अब इसको समझने की जरूरत है. पहले समझ लीजिए, सारे लोग बच्चों ध्यान से समझिएगा. सबसे पहला टैग आप जानते हो HTML में कोई जो हम लगाते हैं, जो फर्स्ट टैग हम क्रिएट करते हैं, जो यूज करते हैं, वो कौन सा है? HTML है. आपका दूसरा जो टैग हम लगाते हैं बच्चों, वो बॉडी है, क्योंकि जो सब कुछ आप दिखाते हैं डिस्प्ले होता है वो बॉडी सेक्शन में आता है. इसके बाद आपका H1, ये हेडिंग डिस्प्ले होगी, बड़े लार्ज साइज, सबसे बड़ा हेडिंग होता है. आप जानते हो HTML में कौन सा? H1 होता है. इसके बाद हमने A टैग की मदद से लिखा, AHREF. यहां A क्या है? तुम्हारा एंकर टैग है. What is A? It is a anchor tag, जो कि लिंक को क्रिएट करता है बच्चों. और HREF में क्या दिया आपने? HREF में आपने लिखा, HREF में आपने सिंपली बच्चों क्या लिखा कि देखिए ये URL दिया. ये ध्यान से देखिएगा, यानी ये डेस्टिनेशन कि आप जब लिंक पे क्लिक करोगे वो जाएगा कहां. When you click on that link, वो कहां पर पहुंचेगा? तो इसके लिए आपको HTTP, ये देखिए फुल कोलन, ये URL देने का तरीका है, /www.google.com. ये आपका कहलाएगा URL. और बच्चों इसके बाद ये बंद किया मैंने और नीचे लिखा click here for Google. यहां पर A बंद हुआ, यहां पर बॉडी और यहां पर HTML. आप जब इस प्रोग्राम को बच्चों रन कराओगे ना, when you run this program, जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो क्या होगा? आपका कुछ नहीं, पूरे पेज पर सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी. एक तो H1 से आपको बड़ा सा, ये आपका मान लीजिए वेब पेज का पूरा ब्राउजर स्क्रीन है, तो आपको लिख कर आएगा हाइपर लिंक, और नीचे लिख कर आएगा इस टाइप से क्लिक हियर. ये आपका वाइट से आएगा, सॉरी, सपोज क्लिक हियर फॉर गूगल. क्या लिख के आएगा? ऐसे जैसे आपने बनाया था. और इसके नीचे क्या होगा बच्चों? बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आएगी, वो भी ब्लू कलर से आती है. ये ब्लू कलर से दिया गया अंडरलाइन सिंबल है कि ये क्या है, ये एक हाइपर टेक्स्ट है जो कंटेन कर रहा है. किसको कंटेन कर रहा है बच्चों? लिंक को कंटेन कर रहा है. और मैं आपको बताऊं, जब आप कर्सर को बच्चों इस पर ले जाएंगे, किस पर? इस टेक्स्ट पर. एक्चुअली ये जो पूरा टेक्स्ट है ये तुम्हारा हाइपर टेक्स्ट है, मैंने पहले भी बता रखा है. ये आपका क्या है बच्चों? ये आपका हाइपर टेक्स्ट है. और जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहीं पर बच्चों बाय डिफॉल्ट यहीं पर क्या होगा? आपका गूगल ओपन हो जाएगा. क्या ओपन हो जाएगा? गूगल की वेबसाइट जो भी है वो आपकी बच्चों खुल जाएगी, यानी सेम स्क्रीन पर खुल जाएगी. क्या खुल जाएगी? गूगल. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए स्क्रीन पर जाए ये, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको कोड में थोड़ा सा बच्चों परिवर्तन करना होगा. क्या परिवर्तन करना होगा? कि आपको लिखना पड़ेगा AHREF इज इक्वल टू, आपने दिया ना HTTP /www.google.com. ये तो आपने लिखा. इसी के बाद आपको एट्रीब्यूट आगे लिखना पड़ेगा, टारगेट. क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक. ये देखिए, और ये बंद करना पड़ेगा, और फिर वही आप क्लिक हियर सपोज फॉर गूगल, और आप ए को बंद कर दोगे. अब बच्चों क्या है, जब आप अब इस हाइपर टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यानी जब आप
जैसे आप इस पे बच्चों क्लिक करोगे होगा क्या, अब जो तुम्हारा ये गूगल खुलेगा वो वहां पे नहीं आएगा जहां पर की कोड है, वो आपका बच्चों आउटपुट को ले जाएगा न्यू टैब में, यानी लिंक्ड डॉक्यूमेंट जो भी है आपके केस में गूगल है वो कहां पर जाएगा, वो किसी नए टैब पर जाएगा। तो बच्चों ये एक तरीका मैंने आपको सिखाया। कुछ और अतिरिक्त जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि आप चाहें, इफ यू वॉन्ट, क्या भाई, अगर आप चाहते हो, यू कैन क्रिएट लिंक ऑन इमेज। बच्चों HTML में ये अलाउड है कि आप यदि चाहें तो लिंक आपका इमेज पर बन सकता है। इमेज मतलब कोई भी इमेज इंसर्ट करना, इमेज लगाकर भी आप लिंक बना सकते हैं। ये तो हो गया एक पॉइंट, और दूसरा, यू कैन ऑल्सो क्रिएट इंटरनल लिंक। बच्चों HTML में ये पॉसिबल है कि आप अपने सेम वेब पेज में जिस पे कोडिंग की है वहीं पर कोई लिंक क्रिएट कर दे, यानी अगर सेम पेज में ऊपर नीचे करना है तो जो लिंक आप बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल लिंक बोलेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो और अतिरिक्त जानकारियां थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है ना बच्चों, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।